विगत 12 वर्षों से जलसूत परिवार का ये श्याम प्रेमियों का ये श्याम भजन होता आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक हम लोग हैं। मैं हूँ सुजीत, मेरा छोटा भाई सुजीत अग्रवाल जो जलसूत परिवार का मुखिया है, वो राम है, हम उनके हनुमान हैं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार, मैं हूं सप्तर्षी। आज जलसूत्र परिवार की ओर से विधान गार्डन में श्याम प्रभु का दरबार लगाया गया है और इस वक्त इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन हमारे सर्वे सर्वा। हम उनका परिचय खुद नहीं देंगे, वो अपना परिचय खुद ही देंगे। आज सुजीत अग्रवाल, ये आयोजन हम लोग करते हैं हर साल, ये 12वां साल है, द्वादश वर्ष, और इस वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा का श्रृंगार किया गया है। लोग क्रिसमस की धूम में व्यस्त हैं। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आज इस भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और इसको कई लोगों तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर, क्रिसमस के मौके पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने अनूप जलोटा जी को बुलाया है, न्योता दिया है, वो आज भजन पेश करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो ऐसे भी इंडिया में भजन सम्राट की ख्याति प्राप्त गायक हैं। सौभाग्य हम लोगों का कि उनको बुला के नई जनरेशन को भजनों की अमृत वर्षा से अवगत कराया जाए। जलसूत्र परिवार की ओर से विजय चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक शाम कान्हा के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है अभी विधान गार्डन में, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सर, आज अनूप जलोटा जी भजन पेश करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? विगत 12 वर्षों से जलसूत परिवार का ये श्याम प्रेमियों का ये श्याम भजन होता आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक हम लोग हैं। मैं हूँ सुजीत, मेरा छोटा भाई सुजीत अग्रवाल जो जलसूत परिवार का मुखिया है, वो राम है, हम उनके हनुमान हैं। हम दोनों भाई मिलके और बहुत सारे श्याम प्रेमी हमारे साथ मिलके हम लोग ये बाबा उत्सव कर हर साल करते हैं और हर साल दिन प्रतिदिन धूमधाम से करते आ रहे और आगे भी करेंगे। हमारी हमने जलसूत परिवार कीर्तन का ध्येय सिर्फ कीर्तन नहीं है, कीर्तन के साथ साथ हमने एक नरसिम्हा फाउंडेशन की स्थापना की है। कलकत्ते 70 किलोमीटर दूर बगनान कालना में हमने नरसिम्हा फाउंडेशन की स्थापना की है। वहाँ पे 100 बीघा जमीन पे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज, गौशाला, सब कुछ समाज को 2 साल बाद हम समर्पित कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुजीत की, मेरे छोटे भाई की कामना थी कि मैं एक अच्छा काम करूँ, देश की सेवा करूँ, गरीबों की सेवा करूँ, तो उसमें हम सब उनके साथ हैं, लगे हुए हैं। ये कीर्तन तो एक माध्यम लोगों को बताने का कि हम लोग कीर्तन में किसी को चंदा नहीं लेते, बाबा की कृपा है, बाबा जैसा चाहता है वैसा सज जाता है। बाबा की विशेष कृपा जलसूत परिवार पे और जलसूत परिवार जितने भी जुड़े हुए श्याम प्रेम सबों पे एक साथ, आज रुपये की कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा खुद सस्ता खुद सजवा लेता है। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, हम लोग जितना हो पाता है उतना करें, साथ साथ फरवरी या मार्च के मार्च महीने में 51-31 लड़कियों की शादी हम लोग कराएंगे और ये हर साल होगा, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। बाबा की कृपा होगी, सब होगा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। कितने श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की जाएगी? ये प्रोग्राम अभी सुबह दोपहर 2:15 से चालू हुआ है, सुबह 6 बजे आरती होगी, तो जो भी ड्यूरेशन है इसका 20 घंटे का, उसमें टोटल 20,000 लोगों का आना जाना, प्रसाद लेना, श्रृंगार दर्शन, भजनों का, अमृत वर्षा का आनंद लेना सब इन्वॉल्व है, तो करीब 20,000 लोग आते हैं। कई विशेष अतिथियों का भी आपने जिक्र किया है, कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं? ऐसे बहुत महान भाव, बहुत प्रसिद्ध लोग समाज के हैं, मैं नाम लूँ तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि सबका प्रेम हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे, हर क्षेत्र से आएंगे।
हर साल ये कार्यक्रम आप करते हैं दिसंबर के महीने में, कितनी उम्मीदें रखते हैं सर? उम्मीद हमारी एक ही रहती है कि अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति सभी को प्रेरित करती रहे और उपकार की भावना से हमेशा लोगों का एक दूसरे के प्रति सद्भाव बना रहे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।